टाइटैनिक मूवी तो याद होगी आपको। 1997 में आई इस फिल्म का इंतजार हर किसी को था, हर कोई इस फिल्म को देखना चाहता था। इसकी वजह थी कि हर कोई ये जानना चाहता था कि टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे। इस मूवी में टाइटैनिक के समुद्र में उतरने से लेकर पानी में डूबने तक की एक एक रियल इवेंट्स को दिखाया गया है। इसमें केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बड़ी ही खूबसूरती से जैक और रोज का किरदार निभाया है, जो दो अलग अलग सोशल क्लासेस से आते हैं। शिप पर ही मिलते हैं, फिर होता है प्यार, पर अफसोस उनका प्यार पूरा ना हो सका क्योंकि टाइटैनिक जहाज अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया, जिसमें लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई। अब जो बचा था वो था उसका मलबा, जो अटलांटिक महासागर के बॉटम में आज तक मौजूद है। दोस्तों, जहाज तो डूब गया, पर उसकी एक अंडर वाटर तस्वीर ऐसी है जिसे देखते ही टाइटैनिक के मलबे को आप तुरंत पहचान सकते हैं। वो है ये जहाज का अगला हिस्सा। ये हिस्सा वही है जो अटलांटिक महासागर की गहराई में भी अंधेरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता था। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो उसका सबसे आइकॉनिक सीन भी याद होगा। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेट सीन, बट द अदर आइकॉनिक सीन विच वॉज दिस। इस सीन में जैक यानी कि लियोनार्डो डिकैप्रियो और रोज यानी कि केट विंसलेट रेलिंग पर खड़े होकर एक पोज देते हैं, जो बाद में पूरे दुनिया भर में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स बन गया। दोस्तों, टाइटैनिक उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम बेस्ड पैसेंजर शिप था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ, लेकिन केवल 4 दिन की जर्नी के बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 को वो एक हिमशिला यानी कि आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मौत, जो इतिहास की सबसे बड़ी पीस टाइम में होने वाली मैरिटाइम डिजास्टर्स में से एक है। ओलंपिक क्लास पैसेंजर लाइनर टाइटैनिक वाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी के हाथों में था और उसे बेलफास्ट आइलैंड के हार्लैंड एंड वॉल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए निकला टाइटैनिक जब डूबा तो उस वक्त उस समय के सारे नियमों का पालन करने के बावजूद उसमें केवल 1178 लोगों के लिए लाइफ बोट्स थी। मारे जाने वाले लोगों में ज्यादा संख्या पुरुषों की थी और इन इनकंसिस्टेंट नंबर का मेजर रीजन महिलाओं और बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना था। इसके डूबने का सबसे बड़ा कारण एक्सेसिव स्पीड था। टाइटैनिक जहाज अपने आप में आइकॉनिक है। हर साल इसके रबल यानी कि इसके मलबे की अंडर वाटर फोटोज ली जाती है इसके हालात को मॉनिटर करने के लिए, पर इस साल की गर्मियों में जब एक रोबोट ने इसकी रेलिंग की तस्वीरें ली तो उनसे ये पता चला कि लहरों के नीचे 100 से ज्यादा सालों के बाद जहाज का मलबा बदल रहा है। जब ये जानकारी सामने आई तो इस पर एक प्राइवेट कंपनी ने रोबोटिक व्हीकल्स की मदद से एक खोज अभियान चालू किया, जिसमें पाया गया कि जहाज की रेलिंग का बड़ा हिस्सा अब नष्ट हो चुका है। RMS टाइटैनिक इंक, ये वो कंपनी है जो टाइटैनिक से जुड़ा काम करती है। सन 1994 में RMS टाइटैनिक इंक को टाइटैनिक के मलबे से जुड़े कामों के लिए अधिकार दिए गए थे बाय द फेडरल कोर्ट ऑफ USA, और तब से लेकर अब तक ये लगभग 8 सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशंस चला चुके हैं। RMS टाइटैनिक के डायरेक्टर टॉमसिना रे ने कहा कि टाइटैनिक का झुका हुआ हिस्सा बहुत फेमस और पॉपुलर है। जब कभी भी आप किसी जहाज के समुद्र में चट्टान से टकराने या डूब जाने की घटना के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग टाइटैनिक जैसे ही सीन पर जाता है, लेकिन अब ये वैसा नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जहाज के मलबे में क्या क्या बदलाव आए हैं। लोगों के जहन में हमेशा ये सवाल आता है कि टाइटैनिक वहां कब तक रहेगा, जिस पर टॉमसिना रे कहती हैं कि हम ये नहीं जानते हैं, मगर हम इसे अभी देख पा रहे हैं। पर एक समय के बाद कोई भी धातु चाहे कितना भी मजबूत हो, वो भी पानी के अंदर इतने सालों तक रहने के बाद अपनी मजबूती छोड़ने लगता है और आखिर में झुक जाता है, और वही हुआ है टाइटैनिक जहाज की रेलिंग के साथ। तो हो सकता है अगले कुछ सालों में वहां कुछ भी ना बचे और ये तस्वीरें ही रह जाए टाइटैनिक की याद बनकर। इनकी टीम का मानना है कि रेलिंग का वो हिस्सा जो लगभग 4.5 मीटर यानी कि 14.7 फीट लंबा है, पिछले 2 सालों में ही गिरा है। एक्चुअली साल 2022 में भी मजेलन नाम की एक डीप सी डाइविंग कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन हाउस अटलांटिक प्रोडक्शन के साथ एक कैंपेन शुरू किया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी कैंपेन की है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये रेलिंग्स पहले आपस में जुड़ी हुई थी, पर अब ओवर द ईयर्स झुकते झुकते टूट गई है
और बाकियों के भी झुकने की शुरुआत हो चुकी है। आरएमएस टाइटैनिक कंपनी के रिमोट ऑपरेटेड दो रोबोटिक वाहनों ने जहाज के मलबे की 20 लाख से ज्यादा तस्वीरें और 24 घंटे की एचडी फुटेज ली, जिसमें कई और रोचक खुलासे भी हुए। जहाज का रेलिंग ही ऐसा हिस्सा नहीं है जो समुद्र में और नीचे जाकर गुम हो चुका है। टाइटैनिक के बाकी हिस्सों को भी सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दशकों से नष्ट कर रहे हैं। पिछले खोज अभियानों में पाया गया कि टाइटैनिक के कुछ हिस्से ढह रहे हैं, बाकी हिस्सों पर भी जंग की परत जम रही है। जहाज में बने अधिकारियों के क्वार्टर्स और कमरे नष्ट होकर गिर रहे हैं। दोस्तों, कंपनी अब इस फुटेज को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है ताकि जहाज के पूरे मलबे का डिटेल 3D स्कैन तैयार किया जा सके। जब ये काम पूरा हो जाएगा तब और तस्वीरें सामने आएंगी। अच्छा, एक और बड़ी बात है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है स्टडी में। मलबे में सालों पुरानी एक बेशकीमती मूर्ति भी मिली है और ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आरएमएस की टीम ने बताया कि इस बार उन्हें वो कलाकृति भी मिली जिसे खोजना उनकी लिस्ट में शामिल था। इस मूर्ति का नाम है डायना ऑफ वर्सेल्स और इस कांसे की मूर्ति को पहली बार 1986 में देखा गया था और इसकी तस्वीर रॉबर्ट बलार्ड ने ली थी। हालांकि इसकी लोकेशन का पता नहीं लग पाया था और 60 सेंटीमीटर लंबी इस आकृति को उसके बाद दोबारा नहीं देखा गया। अब इसे मलबे में मुंह के बल लेटा हुआ पाया गया है। इसे उस समय टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास के यात्रियों के सामने प्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट क्लास लाउंज में रखा गया था। उस कमरे का मेन अट्रैक्शन था डायना ऑफ वर्सेल्स, लेकिन सैडली जब टाइटैनिक दो हिस्सों में टूटकर डूब रहा था तब वो लाउंज भी दो हिस्सों में टूट गया और उसमें मौजूद डायना की मूर्ति भी टूट गई और मलबे के ढेर में समा गई। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आरएमएस टाइटैनिक इंक ने टाइटैनिक जहाज के कई एक्सकवेशन किए जिसमें जहाज के मलबे से कई हजारों टुकड़े निकाले भी गए, कई हिस्से दुनिया के सामने भी रखे गए। अब उनका गोल है कि अगले साल जब वो फिर से जाएंगे तो वहां जाकर कुछ और हिस्से निकाल कर लाएंगे। डायना की मूर्ति भी इनमें से एक है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जहाज का मलबा एक कब्र के समान है जिसे वहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मूर्ति देखने और इसकी तारीफ के मकसद से बनाई गई थी और अब ये ब्यूटी समुद्र के तल में है, 112 सालों से समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई है। दोस्तों, जिस हिसाब से टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे करके नष्ट होता जा रहा है, शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल ये तस्वीरें ही रह जाए। ऐसे में आरएमएस टाइटैनिक इंक जो काम कर रही है टाइटैनिक के हिस्सों को वापस लाने का, वो कहीं ना कहीं जरूरी है ताकि लोग अपनी आंखों से इसके इतिहास, इसके संरक्षण को देख सके। खैर, आपका क्या सोचना है इस इनिशिएटिव के बारे में? क्या टाइटैनिक को एक कब्र की तरह अकेला छोड़ देना चाहिए या उससे जुड़े इतिहास, उससे जुड़े रोमांस और उसकी खूबसूरती को संजो कर रखना चाहिए? हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।